एक जने हमें मिले, हमने कहा कहो भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हो? अरे बोले पूरा। हमने कहा बाकी लोग अधूरा पढ़ते हैं क्या? बोले नहीं नहीं गुरुजी, दरअसल क्या है कि उसमें लिखा ना जो सतबार, तो हम तो सात बार पढ़ते। अरे हमने कहा सत माने सात नहीं, सौ होता है। सत मतलब सौ, तो क्या होता? सतबार पाठ। अच्छा पाठ पर ध्यान दो। पाठ क्या है? पुस्तक लेकर पढ़ना, जो यह पढ़े हनुमान, आगे की चौपाई पढ़िएगा, जो यह पढ़े। कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं, रटते हैं, साबुन लगा रहे बाथरूम में, जय हनुमान ज्ञान गुंथा। ये पढ़ना है? कई लोग क्रीम ठोक रहे फेल लवली, जय हनुमान ज्ञान गुंथा। ये पढ़ना नहीं रटना है, ये तो रट रहे। पढ़ना क्या है? जो यह है पढ़े। पढ़े मतलब पुस्तक लें, और पुस्तक को लेकर के राम जी का ध्यान करें, और बढ़िया एक एक लाइन पर उंगली रखते हुए पढ़िए। क्या? जो यह है पढ़े हनुमान चालीसा, ओ ही सीधी सा। कई लोग कहते महाराज जी हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते लेकिन काम कुछ नहीं करता। भाई तुम्हें सूजन की बीमारी हो, सूजन ना? सूजन की बीमारी हो, दवाई तो खाओ, लेकिन डॉक्टर ने कहा दवा लेना, पर दवा के साथ साथ मठा और भटा मत खाना। और कई लोग दवा तो खाते हैं पर मठा भटा भी दवा के खाते हैं, तो क्या सूजन की दवा काम करेगी? बोलो बोलो बोलो, नहीं करेगी। कितनी भी दवा कर लो खा लो, काम नहीं करेगी। सूजन को मिटाना है तो दवा को भी लेना है और परहेज भी करना है। बातांश चीज चावल मठा भटा नहीं खाना है। उसी प्रकार हनुमान जी की कृपा को पाना है, हनुमान चालीसा का फल पाना है, तो हनुमान चालीसा को रटना नहीं है, हाथ में पुस्तक लेकर राम जी का ध्यान करके पढ़ना है। और जो सतबार पाठ कर, कोई ऐसे जो सौ बार पाठ करता है वो किसी भी बंधन में हो छूट जाता है। एक बात और महाराज जी, सतबार क्यों कहा, सौ बार ही क्यों कहा? हमारा मानना है पहले के लोग सौ साल जीते थे। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो अपनी आयु के सौ साल, इसलिए हर आयु के हर साल के हर महीने में, हर महीने के हर दिन में, प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे में, और प्रत्येक घंटे के प्रत्येक मिनट में, और प्रत्येक मिनट के प्रत्येक सेकंड में, जिस प्रकार हमारे शरीर को श्वास की आवश्यकता है। पहले के जमाने में लोग 100 साल जीते थे, 100 साल जीते थे तो प्रत्येक आयु की समयावधि में, प्रत्येक साल में, प्रत्येक साल के प्रत्येक महीनों में, प्रत्येक महीनों के प्रत्येक घंटों में, प्रत्येक घंटों के प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक मिनट के प्रत्येक सेकंड में, जिस प्रकार हमारे शरीर को हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन जीने की कला के लिए पवन पुत्र श्री वीर बजरंगबली की कृपा की भी आवश्यकता है।